अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं फिर से आ गई अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो टाइम हो रहा है 4:30 और मैं उठी हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने। आप लोग भी नमाज़ पढ़ लो। और पता है आप लोगों को कि रमज़ानों में तो सब नमाज़ पढ़ते हैं और रमज़ान जाते ही नमाज़ को जैसे भूल ही जाते हैं, तो प्लीज़ नमाज़ को ना भूलें। तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको मिलते हैं ज़हर में। जोहर का वक्त हो चुका है, हमें जरूर नमाज पढ़ने, और आप लोग भी पढ़ लो, फिर मिलते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैंने नमाज पढ़ ली और आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी, और हमें जरूर 12 पढ़ने और फिर हम आप लोगों को असर में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, असर का वक्त हो चुका है और पता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा 12 पढ़ के सो भी गई थी। अब उठी हूँ, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और आप लोग भी पढ़ लो, फिर मिलते हैं। चाय पीने और आप लोगों को पीनी है तो मेरे घर आ जाओ। नमाज पढ़ ली है और आप लोगों ने पढ़ ली होगी, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत खाना वाना देखने, अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करा दे, और थोड़ी सी कराऊंगी, ज़्यादा भी करा सकती क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। फ्रेंड्स, मैंने नमाज पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और आप लोग भी खा लो। तो यही मेरा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, और मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया था क्योंकि रमज़ान में सब नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान के बाद कोई नहीं पढ़ता। तो इसीलिए यार नमाज हर वक्त पढ़नी चाहिए, टाइम और वक्त देख के नहीं और माहौल देख के नहीं। जैसे आप लोग रमज़ान था तो रमज़ान में पढ़ रहे थे, अब रमज़ान में नहीं पूरे टाइम पढ़ो, नमाज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।